अब हम दोस्तों मॉल के अंदर आ गए हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा मॉल है। काफ़ी सारे कंपनी के यहाँ पे शोरूम्स हैं। इसके सामने बनारस का जेएससी मॉल तो कुछ नहीं है। ये देखिए एप्पल का यहाँ पे शोरूम है जो कि अपने औकात से बाहर है। ये देखिए एरो का शोरूम सामने है, अमेरिकन टूरिस्टर का, ट्रॉली बैग्स। थ्री डी पेंटिंग बनाई गई है, कितनी बढ़िया लग रही है देखने में। ये देखिए बाहर कितना मस्त नज़ारा लग रहा है, कितनी ऊंची ऊंची यहाँ पे फ्लैट्स हैं। ये देखिए नमो घाट जैसे यहाँ पे भी टॉय ट्रेन है। ये ओरायन मॉल के राइट साइड में ये आप देख सकते हैं ब्रिगेड गेटवे की बिल्डिंग है और 34th फ्लोर पे रेस्टोरेंट है जिसका नाम है शैरियट। यहाँ देखिए गिलास की सफाई भी हो रही है इधर। यहाँ ऊपर से कनेक्टेड है, ये देखिए यहाँ से ये ट्रॉली कनेक्टेड है उसका। बाहर का एरिया एक्सप्लोर करके हम वापस अंदर आ गए हैं और अंदर देखते हैं यहाँ पे कैसा, किस किस कंपनी का शोरूम है। काफ़ी बड़ा मॉल है ये तो, कम से कम 2 से 3 घंटे तो लग ही जाएंगे नॉर्मली एक्सप्लोर करने में। ये देखिए एडिडास का शोरूम। बाटा देखो यहाँ तुम्हारा मिलेगा कि नहीं बाटा का, वहाँ तो कहीं चांस ही नहीं था मिलने का। एलन सोली फ्लाइंग मशीन कुलर फ्लाइंग बीस्ट।
ये सामने ट्रांसपेरेंट एक्सीलेटर भी है, स्टारबक्स कॉफी। यहाँ छोटे बच्चों के खेलने के लिए बनाया गया है, और यह सामने भी मेरे ख्याल से कुछ है, बट एक्टिविटी के लिए नमा बेंगलुरु, वी आर गेटिंग रेडी टू मेक जंप फ्लिप बाउंस। हम लोग दोस्तों आ गए हैं वाव मोमोज के शॉप पे, और यहाँ हमने ऑर्डर किया है चिकन मोमो हैनिया, इसमें 5 पीस रहेंगे 69 रुपीस के, और जो 299 का मिल वाला है इसमें ये सब अवेलेबल रहेगा। तो हम मोमोज खा के वापस निकल रहे हैं बाहर की तरफ। मोमोज काफ़ी टेस्टी था और प्राइस भी काफ़ी बढ़िया था, 70 रुपये में 5 पीस था, और काफ़ी अच्छे क्वालिटी का था, मज़ा आ गया खाने में। दोस्तों हमने मॉल भी घूम लिया और मोमोज भी खा लिया, अब वापस चल रहे हैं जालाहली की तरफ। आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आज हम बाहर निकल गए हैं